सुंबुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है। हर जगह उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालीन के साथ महज एक दोस्ती का रिश्ता है। अगर आप उसको वास्तव में बहुत प्यार करते हैं तो प्लीज वोट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि वह एविक्ट हो जाए, बाहर आ जाए। और इन दो पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल टीवी पे या आपके सामने मैं उन दो शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूं। माँ की तरह देखिए, फिर आप बताइए, फिर आप जो कहेंगे वो मानने को तैयार। मेरे को लगता है कि मैं एक शब्द के लिए आके माफी मांग रहा हूं तो आपको 50 दिन के हर शब्दों के लिए माफी मांगना चाहिए। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, हाल ही में हमने देखा कि एपिसोड में जिस तरीके से प्रोमो में दिखाया गया, आपने सिंबल से बात की है, साथ सिंबल का भी कुछ रिएक्शन था कि कुछ कुछ उनको भी अपनी गलतियां पता चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? अभी भी दूसरी बार आपका एक आपने सिंबल से बात की है, क्या लग रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं सिंबल या फिर वही गेम में वो फंसी जा रहे हैं? नहीं, अभी जो कन्वर्सेशन हुआ सुंबुल समझ पाती है सब, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि 18 साल मैंने उसको जिस तरीके से पाला है, जिस तरह से उसको कहानियाँ सुनाई हैं, हमेशा अच्छी बातें बताई हैं, तो 18 साल की जो तरबियत है ना, उसको मैं जाके कुछ बोलता हूँ तो वो 18 साल की सीखी हुई चीज़ें एक दिन में वो कैसे चेंज कर पाएगी? अच्छा, वो करना भी चाहती है, वो एक दो दिन उसका असर दिखता भी है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर वो चारों तरफ से लाइनअप होके बार बार उसको वही कन्वर्सेशन, हम तुम्हारे हैं, ऐसा है वैसा है, तो सीधी बात है 24 घंटे जब आप किसी तरह की इस तरह की चीज़ें करोगे तो फिर से वो डाइवर्ट होती है। और सबसे बड़ी बात है कि उसको अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोगों के द्वारा यूज़ हो रही है, उसको ये लग रहा है कि मैं अपनी फ्रेंडशिप निभा रही हूँ। अब वो फ्रेंडशिप निभाने के चक्कर में ये लोग उसका बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, और अब तो उस पूरे घर में सभी लोग ये जान गए हैं कि सुंबुल को डाइवर्ट करना बहुत आसान चीज़ हो गया है सबके लिए, और सबके लिए वो महज एक वोट बैंक बन गई है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अभी तक वो जैसी गई थी वैसी ही है, इस बात का तो मुझे फख्र है कि कम से कम उसने औरों की तरह बाकी चीज़ें नहीं सीखी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इमली सीरियल में सभी इतना ज़्यादा पसंद करते थे सुंबुल के काम को, लेकिन जब बिग बॉस के घर में गई तो बहुत लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि जितनी पावरफुल उसमें दिखती थी, लेकिन वैसे बिग बॉस के घर में सुंबुल कहीं ना कहीं तुम खेलो, या फिर कहीं हम टीवी सेलेब्स से भी अगर हम बात कर रहे हैं, उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं ये है कि सुंबुल छोटी है उम्र में, इसलिए कहीं ना कहीं नहीं समझ पा रही। क्या लगता है, कैसा गेम सुंबुल का? नहीं देखिए, रही बात इमली की, तो इमली ने उसको नो डाउट बहुत बड़ी सक्सेस दी है, और आज उसके पूरे विश्व में अगर फैन बने हैं तो इमली की वजह से बने हैं, और उसके बाद वो स्टार रविवार विद स्टार परिवार की वजह से, जहां उसको पूरी खुली छूट थी, वो जो चाहे वो करे। और बिग बॉस का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है। हम लोगों ने चूँकि कभी बिग बॉस फॉलो नहीं किया था, ना सुंबुल ने कभी देखा था, ना मैंने कभी देखा था, तो मुझे भी यही लगा था कि बिग बॉस में लोग एक दूसरे के प्रति साजिश करते हैं, हटाते हैं, डराते हैं, आगे बढ़ते हैं, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि मतलब आप ट्रॉफी के लिए किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन तक पहुंच जाओगे। और जब ये बातें बार बार होने लगती हैं तो किसी भी बच्चे की जो नेचुरलिटी है ना, वो ख़त्म हो जाती है। और आज वही है कि आज वो सुंबुल मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे क्या बात करूं, क्योंकि हर बात का एक अलग नज़रिया होता है। जब वीकेंड का वार आता है, हर वीकेंड के वार पे सुंबुल टारगेट होती है, और वो वहाँ सब सुन रही है, सुनने के बाद भी बोलती नहीं है वो, उसको अजीब सा लग रहा है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे आस पड़ोस। तो मेरे को अब लग रहा है कि मुझे, हालांकि मैंने उसको भेजा था वहाँ सीखने के लिए, क्योंकि वो निगेटिविटी उसकी ज़िंदगी में कभी थी नहीं, तो सीखने के लिए भेजा था उसको मैंने, और पर अब मुझे लग रहा है कि शायद मैंने थोड़ी सी जल्दी कर दी। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, हाल ही में जब आपने बात की तो शालीन और टीना का भी जिक्र किया, क्या कहना चाहेंगे, क्या सुंबुल का जो कैरेक्टर जिस तरीके से सभी देखते थे, उनके वजह से उनका लाइक सुंबुल का कैरेक्टर चेंज दिख रहा है, कि हाँ कुछ जैसे अभी आपने जिक्र की कि एक व्यक्ति के जिस तरीके से उसे देखा जाता है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से कुछ व्यक्ति की देखने की नज़रिया चेंज हो जाता है, आपका इससे क्या? देखिए, मैं उसी बात को आपको कह रहा हूँ कि सुंबुल ने फर्स्ट डे से लेकर आज तक अपने आप को क्लियर रखा है। हर जगह उसने साफ साफ कहा है कि मेरा शालीन के साथ महज एक दोस्ती का रिश्ता है, जो डे वन से कहती आ रही आज तक उसी पे अड़ी हुई है।
अब एक बात बताइए आप हर व्यक्ति का बॉडी जेस्चर अलग होता है, हर बच्चे की सोच अलग होती है। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ कि सुम्बुल का मैं सिंगल पेरेंट हूँ, तो मैं माँ भी हूँ उसकी, बाप भी हूँ, तो उसके अंदर जो एक टच होता है जेंडर का वो उसके अंदर नहीं है। उसने हमेशा माँ के रूप में मुझे पाया है, बाप के रूप में मुझे पाया है, तो वो सबसे हक करती है, मिलती है और वैसे ही रहती है, उसके दिमाग में कोई कचरा है ही नहीं। पर इसको अगर आप लोग उसके करेक्टर से ले जाओगे तो ये शायद बहुत गलत होगी। और उस दिन वीकेंड के बार पे जिस तरह से सारे घर वाले उसके पीछे पड़ गए थे, मतलब करीब आधे घंटे कंटिन्यू एक लड़की को टारगेट किया जा रहा था कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम अवेस्ट हो, समथिंग 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 समथिंग, मतलब कुल मिलाकर सब एक टारगेट कर रहे थे कि सुम्बुल किसी तरह से पैनिक हो, क्योंकि सबको मालूम है कि सुम्बुल बहुत काम लड़की है। वो कुल इन 50 दिनों में 2 बार पैनिक हुई है, एक बार जब मेरे ऊपर अर्चना ने बात की थी और एक बार और उससे पहले कोई लड़ाई हुई थी, और पैनिक होने पर वो फिर आपा खो देती थी, और उस दिन वही कोशिश हो रही थी कि ये पैनिक होकर बोल दे कि हाँ ये है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ अपनी बेटी को, उसके पेशेंस को, कि इतना होने के बाद भी, प्रेशर होने के बाद भी वो अपनी बात पर अड़ी रही और लास्ट में इस पूरे सब्जेक्ट को अलग ही करना पड़ा कि ओके। लेकिन हुआ क्या उसके बाद, जैसे वीकेंड का बार खत्म होता है अगेन फिर वही चल। अब वो कैसे सर्टिफिकेशन दे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वो सुम्बुल क्या करे, अपने माथे पे लिख दे हर तरह से। शादीन आके उसको क्लियरली उसके सामने बोल रहा है कि हाँ बेटा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, और वो भी कह रही है कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी फिर वही एक टारगेट, और बार बार मैं उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। डे फर्स्ट से लेकर अभी तक एक 19 साल की लड़की से आप इतना घबरा क्यों रहे हो? वो अपना गेम खेल रही है शांति से, आप अपना गेम खेलो। उसकी गलती ये है कि उसने आपको अपना मान लिया, अब मैं उसकी गलती कहूँगा, क्योंकि आपको याद होगा किसी ने पूछा था शायद शेखर सुमन ने कि आपके दिल के जिगर के टुकड़े कौन हैं, तो उसने बोला था शालीन और टीना, तो उसने आज तक वो बात रखी हुई है। तो आप लोग को सोचना चाहिए कि अगर उसने आपको अपने जिगर का टुकड़ा कहा है और आज भी वो आपके साथ खड़ी है, तो आपको भी एक बड़े की तरह उसका साथ देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए इस तरह से। देखिए उस बात को मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, शायद लोगों को नहीं मालूम होगा, वीकेंड के वार के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, और मैं ऑलरेडी ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, और हार्ट बीट भी बहुत बढ़ गई थी। तो उस दिन मेरी बेटी ने मेरे को दवाई वाई खिला दी, बस सो गया था। सुबह फिर मेरी हालत ख़राब होने लगी, तो मेरे को इमीडिएट हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। मैं ICU में था, और ICU में था, और मैं शायद मेरी ऐसी बेटी बता रही है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्योंकि दवाइयों की वजह से मैं बिल्कुल अनकॉन्शियस था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा। तो वो बेटी बता रही थी कि आप बार बार सुम्बुल सुम्बुल बोल रहे थे, तो देन उसने मैनेजर से बात करी कि किसी भी तरह से सुम्बुल को बुला लो ताकि पापा उससे एक बार मिल लें, पापा ठीक हो जाएंगे। अब उनके बीच में क्या बात हुई मुझे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो पूरे 24 घंटे होने के बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और लगभग नीम बेहोशी की हालत में था, आधा बोल रहा था आधा नहीं बोल पा रहा था। उसके बाद अचानक सानिया से बता रही है मुझे मेरी बेटी कि उसने लाके मोबाइल दिया कि आप अप्पी से बात करो, और मैंने उससे बात करी। उसके बाद फिर मैं हॉस्पिटल में रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। देन जब मैंने थोड़ा जब नॉर्मल हुआ मैं, उसके बाद मैंने देखा कि प्रोमो में मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैंने सानिया से पूछा बेटा क्या है, तो बोले पापा जो आपने फ़ोन पे बात की थी ये वो है। उसके बाद जब मैं डिस्चार्ज होके आया घर जाके, फिर मैंने पूरा एपिसोड देखा, पूरा कन्वर्सेशन सुना। उसके बाद मैंने सानिया से पूछा बेटा क्या यही सब मैंने बोला है, तो उसने बताया हाँ पापा। फिर मुझे खुद बहुत अजीब लगा, स्पेशली 2 शब्दों के लिए, एक जो पर्टिकुलर शब्द पे बहुत हाय तौबा मची हुई है कि मुंह पे लात मार देना, और एक औकात। तो मैं एक बात तो कहूँगा कि बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, और मैं किसी बेटी के लिए इस तरह के शब्द सामान्य अवस्था में या नॉर्मल अवस्था में तो नहीं बोल सकता। और यदि आपको विश्वास ना हो तो आपने ध्यान दिया होगा, इससे पहले भी मैं 2 बार बिग बॉस में आया हूँ, और दोनों बार मेरी आवाज़ आप तक पहुँची है, पर इस बार मेरी आवाज़ के साथ सब टाइटल चल रहा था। क्यों? क्योंकि आवाज़ मेरी क्लियर नहीं आ रही थी, उन्होंने लिख लिख के बताया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि मैं उस वक्त किस हालत में था, और इन 2 पर्टिकुलर शब्दों के लिए मैं नेशनल TV पे या आपके सामने
मैं उन दो शब्दों के लिए क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट की बात करता हूँ, लड़कियों की बात करता हूँ, मेरी कविताओं में भी सब्जेक्ट लड़कियाँ ही होती हैं, तो मैं किसी लड़की के बारे में जानबूझ के ऐसे शब्द तो नहीं बोल सकता, और इसके लिए मुझे माफ़ी मांगने में कोई भी शर्म नहीं है, क्योंकि ये लफ्ज़ मैंने ना तो कभी बोला चाहे हैं और ना मैंने अपनी बेटियों को कभी सिखाया है, अनकॉन्शियसली हो सकता है मेरे मुँह से निकल गए हों, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा, और स्पेशली टीना की मम्मी से, देखिए एक मेरे शब्द से आप कितना आहत हुए, आपकी आंख से आंसू निकले, तो आपने कभी सोचा कि डे वन से लेकर आज तक मेरी बेटी के लिए टीना ने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल नहीं किए? कभी लगा आपको कि एक बंदा जो सिंगल पेरेंट है, जो माँ भी है बाप भी है, उसके दिल पे क्या बीत रही होगी? कम से कम आप बड़ा दिल दिखाकर एक बार मुझको फोन करके बोलती कि मेरी बेटी ऐसा बोल रही है, उसके लिए क्षमा, और मेरे एक शब्द से हाहाकार मच गया है। तो ये तो मेरे को, हालांकि मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये शब्द बोलकर मैं उसको जस्टिफाई करूँ, नहीं, ये शब्द गलत है और मेरी शब्दकोश में ये शब्द नहीं थे, अनकॉन्शियस हालत में मेरे साथ ये हुआ है, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। लेकिन जिस तरह से आज भी, इतना होने के बाद भी, आपकी बेटी मेरी बेटी का बोल रही कि मैं इसका जीवन नरक कर दूंगी, तो मेरे को लगता है कि मैं एक शब्द के लिए आके माफ़ी मांग रहा हूँ, तो आपको 50 दिन के हर शब्दों के लिए माफ़ी मांगना चाहिए। थैंक यू सर, हाँ मैं इसमें कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं कलर्स का, एंडेमॉल का, बिग बॉस का और सलमान खान का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर एक पिता की भावना को समझा और मुझे मौका दिया। पर ये बायस होना नहीं है, क्योंकि उन्हें भी दिख रहा था कि एक 18 साल की लड़की अंदर आई है और वो बहुत कन्फ्यूज़ हो गई है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने उसके बारे में देखा था, इमली में देखा था, स्टार परिवार में देखा था, वो वही चाह रहे थे कि वैसी ही लड़की हमारे आए और धमाल मचाए। लेकिन अंदर आने के बाद वो सारी चीज़ें जो बदली है ना, और उससे जिस तरह से उसका जो पूरा कैरेक्टर चेंज होने लगा, तो उनको भी चिंता थी कि एक बच्ची के बारे में इस तरह की चीज़ें बाहर ना जाएं, इसलिए उन्होंने मुझे चांस दिया। अगर इस तरह की चीज़ मेरे ख्याल से अगर किसी और के साथ भी होती और उसके पेरेंट्स बोलते, रिक्वेस्ट करते, तो मुझे लगता है कि बिग बॉस इतने क्या कह सकते, कठोर नहीं हो सकते कि वो चांस नहीं देते। तो अरे यार, उसको चांस कभी, मतलब अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करते तो बिग बॉस उनकी भी बात मानते, लेकिन वहाँ पे सारी चीज़ें जो हो रही थी वो सुम्बुल के साथ हो रही थी। और रही बात टीना की, तो टीना बहुत एक्सपीरियंस्ड है, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है उसको, और सुम्बुल महज 2 साल का एक्सपीरियंस, और भी बहुत शब्द कहे उन्होंने। मैंने टीना की मम्मी की पूरा कन्वर्सेशन सुना है कि मैंने गालियाँ बकी हैं, पता नहीं क्या क्या। तो देखिए मैडम, मैं बता रहा हूँ कि मैं उस प्रकृति का इंसान ही नहीं हूँ, क्योंकि हमने तो शायद बचपन से ही पढ़ा कि यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहाँ देवता बसते हैं। तो मैं तो खुद उसी हृदय का इंसान हूँ, मैं तो हमेशा बेटियों को सर पे लेके चलता हूँ, तो मैं ऐसा तो कभी कह नहीं सकता। हाँ, अगर डे वन से लेकर आज तक अगर मेरी बेटी ने एक भी लफ्ज किसी के भी बारे में कहा होता, या एक भी ऐसा शब्द जो शायद आपको बुरा लगता, एक भी शब्द आप बता दीजिए, मैं आपके चरणों में लेट जाऊं। लेकिन आप मेरी बेटी के संस्कारों पे आवाज उठा रही है, तो कम से कम पूरे एपिसोड एक बार दिल से देखिए और एक माँ की तरह देखिए, फिर आप बताइए, फिर आप जो कहेंगे वो मानने को तैयार हैं। Well, hi Sonia, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सुम्बुल का गेम आपको कैसा लग रहा है बिग बॉस? Well, अभी का गेम तो अच्छा लग रहा है, लाइक अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा सैड चल रही है वो, तो हाँ, इट्स गोइंग गुड, आगे और अच्छा होगा, आई एम श्योर अबाउट दैट। Well,
मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं, मुझे क्या बोलना चाहिए इस पर, बिकॉज जो दोस्त वर्ड है वो बिग बॉस में है ही नहीं, बिकॉज ये तो नॉर्मल सी बात है कि सब वहाँ जीतने आए हैं तो सब वही करेंगे जो उनको करना पड़ेगा जीतने के लिए। तो मैं तो यही बोलूँगी कि वहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनको अपना दोस्त बोल रहे हैं, वाकसी दोस्त नहीं है, दे आर जस्ट पार्टिसिपेंट्स इन दिस बिग कॉम्पिटिशन। तो वो खुद की दोस्त है, बस यही एक दोस्त है उसका। साथ ही लाइक बिग बॉस के घर में हम जाते हैं तो बहुत सारे टास्क करने पड़ते हैं जो घर पे कभी नहीं किया हो, वो भी करना ही पड़ता है। कुछ ऐसे चीज़ें अगर आपने देखी हो और अगर आप कुछ कहना चाहोगे इस बारे में। एक्चुअली द थिंग इज कि अप्पी कभी किचन में खाना नहीं बनाती अप्पी ने कभी खाना नहीं बनाया उतना, हमेशा मैंने बनाया, हमेशा पापा ने बनाया। लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनाया, पर सीखा है उसने। हाँ, हम तीनों साथ में बनाते थे, साथ में बनाते। अगर मैं बोलूँ कि अप्पी कैसा खाना बनाती थी तो पोहे के पकौड़े पोहे के पकौड़े बनाती थी वो सब। तो लाइक हाँ, ये बहुत अजीब लगा मेरे को देखे कि अप्पी किचन में है, बट लाइक अच्छा ही है। साथ ही लाइक रिसेंटली बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, रिसेंटली बिकॉज ऑफ डैड ने अभी रिसेंटली बात की थी आपसे सुनो सर, तो बहुत सारे पेरेंट्स के बहुत सारे रिएक्शन आ रहे हैं, कुछ कहना चाहूँगी उस बारे में। जी मैं बस यही कहूँगी कि अगर किसी पेरेंट का बच्चा किसी प्रॉब्लम में है तो वो पेरेंट कुछ भी करेगा उस बच्चे को उससे बचाने के लिए। एंड पापा ने जो भी बोला, जो भी कहा, वो सब सही था। और ऐसे देखा जाए तो मुझे कोई गलती नहीं लगी इसमें। इट्स नॉट लाइक कि मेरे पापा हैं तो मैं ऐसे बोल रही हूँ। मैं एज अ नॉर्मल पर्सन भी देखूँ तो पापा ने सही ही किया। तो और मेरी हालत क्या थी उस वक्त, सोचो ना। अनकॉन्शियस हालत। और जब पापा ने कॉल किया था उसके आधे घंटे पहले, पापा अनकॉन्शियस थे, दवाई खाए, उनको दवाई दिया था कोई, वो उठ नहीं पा रहे थे, वो बोल नहीं पा रहे थे, उनका पूरा मुँह स्वेल हो गया था जैसे आपने सुना होगा। उस टाइम पे मैंने पापा को बोला था कि पापा मैं बात करवाने वाली हूँ आपके अप्पी से। वो देख के मुझे बहुत बुरा लगा था बिकॉज पापा बोल नहीं पा रहे थे, मैं बात कर रही थी, मैं बात करते करते पापा सो जा रहे थे। तो आई जस्ट डिड व्हाट आई फेल्ट लाइक। तो बस इतना ही बोलूँगी। हमने हमेशा से देखा है सर हम आप दोनों के कि जब भी बिग बॉस में एवरी सीजन कहीं ना कहीं सभी के पेरेंट्स को बुलाया जाता है, कहा जाता है कि क्या आप प्लीज़ आ सकते हैं बिग बॉस में इंटरेक्शन करने के लिए, कहीं ना कहीं डिबेट होता है कुछ फैमिलीज के साथ, उसके पेरेंट्स के साथ। अगर आपको बुलाया जाता है क्या आप जाना पसंद करेंगे, और अगर जाते भी हैं तो किस तरीके से आपका इंटरेक्शन होगा, किस पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन करना पसंद करेंगे? Well, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी भी होती है कि पेरेंट्स और पेरेंट्स सामने ही, वो एक समय होता है जहाँ मिलके हम बात कर सकते हैं, तो आप किसी नहीं, अगर ऐसा कोई मौका आता है और सारे लोग आते हैं तो मैं स्पेशली टीना की माँ से तो ज़रूर इंटरेक्शन करना चाहूँगा और उनको बताना चाहूँगा कि शायद उन्होंने जो भी कहा है, हो सकता है उनको मेरी बात सुनने के बाद अपनी गलती का एहसास हो। आज जो वो मेरी बेटी के संस्कारों पे आवाज़ उठा रही हैं तो मेरी बेटी के संस्कार यही हैं कि आज 50 दिन के बाद, इतना कुछ होने के बाद, सब कुछ जानने के बाद, उसने आज तक एक भी शब्द किसी के बारे में गलत नहीं बोला। वो पैनिक भी हो गई, उसके बावजूद भी उसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला। और जबकि मैं जो अपने आप को बहुत समझदार कहता हूँ, सबको शिक्षा देता हूँ, ये सब देखने के बाद मेरे शब्द गलत हो गए। तो हैट्स ऑफ बेटी कि उसको तो नहीं बदल पाया कोई, लेकिन इस पूरे माहौल ने मतलब अनकॉन्शियसली मुझे थोड़ा सा बदला और ये दो गलत शब्द निकले मेरे मुंह से, और उसके लिए तो मैं गिल्टी रहूंगा, नो डाउट। आपसे जानना चाहेंगे एज ए यंगस्टर, बिग बॉस एक ऐसा घर है जिसमें आप इतने दिन और इतने ही लोगों के साथ रहते हैं, कहीं ना कहीं माइंड नहीं इतना वर्क आउट कर पाता, बट यू आर सेइंग दैट सिंपल ऐसे नहीं है। लेकिन कई लोगों के द्वारा ये भी सुनने आ रहा है जब हम जिस किसी से रिएक्शन ले रहे हैं, चीज एगी चीज टू अंडरस्टैंड दैट मच, ये कह रहे हैं। साथ ही ये भी कहीं ना कहीं शालिन के साथ जो इंटरेक्शन दिखा रहे हैं,
हाउ मच इज दिस गुड टू द व्यूअर्स, और क्या कुछ आप कहना चाहोगे कि ये सब चीज़ें कितनी दिखानी चाहिए, कितनी नहीं, गेम के लिए ये सब चीज़ करना चाहिए? इसके अगर मैं बोलूँगी कितना दिखाना चाहिए कितना नहीं, तो फिर सुनेगा तो नहीं फर्स्ट ऑफ। एंड दूसरी बात मैं यही बोलूँगी कि बिग बॉस ऐसी जगह जहाँ पे आप जाते हो तो यू डोंट नो एनी वन, एंड उनके साथ आपको 3-4 महीने गुजारने हैं सर, तो इट्स ऑलरेडी हार्ड। एंड अब भी और मैं कभी भी ऐसे मोबाइल में नहीं रहे, लाइक इतना टॉक्सिसिटी, इतना लड़ाई, इतना झगड़ा मैं देखती हूँ तो मुझे भी बुरा लगता है कि हाउ कैन शी लिव वहाँ। तो वही देख के मुझे प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट मेरी बहन सर्वाइव तो कर रही है, लाइक इवन दो सब माइंड गेम खेल रहे हैं, इतना शातिर चल रहे हैं, उनकी लाइफ में हुआ होगा, हमारे साथ नहीं हुआ है कभी। नहीं, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि अभी बीच में भी कई लोग अब्दू से उसको कंपेयर कर रहे थे कि 19 साल का अब्दू भी है, 18 साल की सुम्बुल है, और दोनों में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब्दू ने जो संघर्ष किया है ना, वो किसी ने नहीं किया। उसने सड़क पे खड़े कोई गाना गाया है, पैसे बटोरे हैं, सब्जी बेची है, हर वो चीज़ किया है जहाँ निगेटिविटी होती है, पता नहीं कितना सुना होगा उसने। पर मेरी बेटियों के साथ वो नहीं है, उनके शेड के लिए मैं खड़ा था हमेशा। हाँ ठीक है, हम लोग कभी भूखे रहे, लेकिन हम लोग ने इनको मैंने कभी इस तरह से खड़ा नहीं किया किसी के सामने कि ये कुछ करें, तो इनके अंदर निगेटिविटी कभी आई नहीं, एक शेड रहा इनके साथ हमेशा। और यही वजह है जो आज वो बिल्कुल सीधी साधी, क्योंकि उसने निगेटिविटी अपनी लाइफ में देखी ही नहीं है। तो अगर आप जो अब्दू से उसको आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर एज वाइज मत करिए, क्योंकि अब्दू का एक्सपीरियंस बहुत एक्सट्रीम है, उसने जो संघर्ष किया है उसके लिए तो हैट्स ऑफ उसको, और सुम्बुल का संघर्ष अलग है। तो उसके जीवन को थोड़ा सा सही लाइन पे लाने के लिए, थोड़ा सा दुनिया से परिचय कराने के लिए बिग बॉस में ले गया था मैं उसको, और लेके आया हूँ, और वो सीख भी रही है, और जब वो बाहर आएगी वो सारे एपिसोड देखेगी तो शायद ज़िंदगी को ज़्यादा अच्छा समझ जाएगी। लेकिन हाँ, अभी थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा है, पर मेरा सिर्फ यही था कि अगर आपको जीतना है आप अपनी लाइन बड़ी कीजिए ना, प्लीज़ दूसरे की लाइन क्यों मिटाते हो? और सुम्बुल आज तक वही कर रही है, सिर्फ अपनी लाइन बढ़ा रही है, वो दूसरों की लाइन मिटा नहीं रही है। तो जिस दिन ये लाइन बड़ा करने का संघर्ष होने लगेगा उस दिन सुम्बुल जीत जाएगी। आई डोंट थिंक बताना चाहिए। वो एकदम शांत रहती है तो मैं एकदम धूम धड़ाका करने वाली। अभी पर्सनैलिटी में मैं थोड़ी शांत हो गई हूँ, वो धूम धड़ाका करने वाली थी, बट फिर भी लड़ाई झगड़े में मैं ज़्यादा हूँ। तो मैंने अभी को यही बताया था कि किसी से लड़ाई हो तो क्या करना है, जो कि आई डोंट थिंक फ्रेंडली होगा। दैट्स ऑल। आपसे जानना चाहेंगे, जिस गौतम जी से भी हमारी बात हुई थी तो कल में वही वो बोल रहे थे कि बार बार शालिन का एक ही चीज बोलना, सौंदर्या के साथ ये है वो है रिलेशन, आप क्या कहना चाहेंगे गेम के लिए लोग कितना कुछ किस किस को टारगेट करते हैं? क्योंकि हमने 2-3 सवाल जितने भी अब तक कंटेस्टेंट आए उनको पूछा है कि सबसे गेम प्लानर कौन है, कहीं ना कहीं टीना या शालिन की ही बात आई है। देखिए, नो डाउट गेम प्लानर तो हैं दोनों, और सबसे बड़ी बात ये लगती है मेरे को कि आप एक साथ इतने चेहरे लेके चल कैसे पाते हो। मैंने तो ऐसे इंसान आज तक नहीं देखे, मतलब आप इतना कुछ होने के बाद आप सुम्बुल के पास फिर जा रहे हो, उसको फिर से आप सारी पुरानी चीज़ों का वास्ता दे रहे हो कि हमारा टीम का बॉन्ड है, सुम्बुल कह रही है कि हमारा कोई बॉन्ड नहीं है, उसके बावजूद आप टीना से प्लान कर रहे हो, देन आप बोला मैं 5 मिनट के लिए उसके पास जा रहा हूँ, और आप और टीना बात कर रहे हैं कि मैं उसका जीवन नरक कर दूंगी। मतलब एक गेम जीती है, गेम जीतने में बुराई नहीं है, लेकिन इस तरह से जीतना मेरे को नहीं लगता कि ये शायद कहीं भी आपके दिल को सुकून देगा। और रही बात गौतम की, तो नो डाउट गौतम के साथ भी बहुत गलत हुआ जिस तरह से शालिन ने सौंदर्या के साथ पहले बातें करी और उसका सारा माहौल बनाया, और उसके बाद उसको विक्टिमाइज किया, देन गौतम और वो जुड़े, उसके बाद शालिन ने वहाँ भी गेम खेला। तो आज जो भी बाहर निकलेगा वो कहेगा, वो ये बात तो खैर कहेगा, वो अंदर भी कह रहे हैं सब लोग कि सब जानते हैं कि शालिन और टीना जो है बहुत बड़े गेम प्लानर हैं, और दुर्भाग्य से मेरी बेटी उन्हीं के दोनों के बीच फंस गई, जी घर का टुकड़ा सो कॉल्ड,
और अब वो शिव के पास बैठती है तो उनको दिक्कत होती है, निमृत के पास बैठती है तो निमृत से उनका चालू हो गया कि आप हमारे पास आ जाओ, मतलब वो सुंबुल को बिल्कुल अकेला छोड़ना चाहते क्योंकि उनको मालूम है कि अकेले रहेगी तो हमारे पास आएगी। तो ये जो हो रहा है ना, इसके लिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था और एट लास्ट मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ उसके तमाम फैंस से, ये बात शायद कोई पेरेंट नहीं कहेगा, मैं कह रहा हूँ आज कि जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, मैं आप तमाम फैंस से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सुंबुल नॉमिनेशन में आई है और अगर आप उसको वास्तव में बहुत प्यार करते हैं तो प्लीज़ वोट मत कीजिए। मैं चाहता हूँ कि वह एविक्ट हो जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि ये गेम की वजह से मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहता, उसकी मासूमियत नहीं खोना चाहता। एट लास्ट मैं सुंबुल के सारे फैंस से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ कि आप उसको बहुत प्यार करते हो, ऑल ओवर वर्ल्ड से मेरे पास फोन्स आते हैं, आप लोग बताते हो कि आप लोग उसको रोना देखते हो, रोता हुआ देखते हो तो आप भी रोते हो, देन मेरी साथ भी यही हालत है और मेरी जो उस दिन बीमार हुआ हूँ या जो गया हूँ मेरी वही हालत थी। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सुंबुल के सारे फैंस से जो वर्ल्ड वाइड हैं, इंडिया में हैं, और वो तमाम लेडीज़ जो उनको अपनी बेटी की तरह मानती हैं, बहन की तरह मानती हैं, दोस्त की तरह मानती है, इस बार सुंबुल नॉमिनेट हुई है, प्लीज़ आप उसको वोट मत कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि वो एविक्ट हो जाए, बाहर आ जाए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे लगा था कि मैं उसको ज़िंदगी सिखाने के लिए वहाँ भेज रहा हूँ, पर ऐसा ना हो कि ज़िंदगी सिखाने के चक्कर में हमारी बेटी कहीं खो जाए, उसकी जो बबलीनेस थी, उसका जो चहकना था, वो सब ख़त्म हो जाए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको सही लगे, हो सकता है मेरी बात आपको गलत लगे, कल से फिर मैं आप लोग के निशाने पे आ जाऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सुंबुल को वोट मत कीजिए, सुंबुल को बाहर आने दीजिए, एक बार फिर हम उसके साथ बैठेंगे, फिर उसके अंदर वो पुरानी वाली सुंबुल जगाएंगे और तब आप भी खुश हो जाएंगे और मैं भी, क्योंकि ये गेम के लिए मैं अपनी बेटी नहीं खोना चाहता। सर एक आखिरी सवाल, सुंबुल भी बार बार अंदर कह रही है कि मुझे बाहर निकाल दो, मुझे बाहर आना है, लेकिन कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे भी होते हैं कि कहीं ना कहीं वो मदद करना चाहते हैं लेकिन वो हमें अंदर नहीं पता होता है, आपको लगता है कि कोई ऐसा है कंटेस्टेंट जो सुंबुल का साथ देना चाहता है और अभी भी सुंबुल गेम खेल सकते? नहीं, देखिए सुंबुल जो बार बार बाहर आने की बात कर रही है ना, आप खुद देखिए उस दिन, उसने सुंबुल एक दिन लो हो गई थी हल्का सा, उसने टीना से अपने बल्कि दिल की बात शेयर करी कि दीदी मुझे नहीं रहना है, बाहर जाना है। टीना ने इस बात को एक फ्रेंडली समझती, उसको समझाती, नहीं उसने ऐसा नहीं किया, उसने इमीडिएट जब नॉमिनेशन टास्क चल रहा था वहाँ पे खुल के बोला कि रहना नहीं चाहती है, ये है वो है, मतलब क्या ये, वो बोले दीदी मैं लो हो गई थी, आपसे मैंने दिल की बात शेयर करी। तो वो ऐसा नहीं कि वो बाहर आना चाहती है, वो बाहर नहीं आना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है। और वहाँ पे रही बात अब उसका साथ देने की बात, तो ठीक है वो जिसके पास भी साथ लेना चाहती है, ये लोग उसको लेने नहीं दे रहे हैं, बार बार काट के अपने पास ले आते हैं और फिर बाद में क्या बोलते हैं कि हमको 5 मिनट नहीं दी थी शालिनी से बात करने के लिए। और जब से ये वीकेंड का बार हुआ है सुंबुल उनके पास गई नहीं है, लेकिन अभी भी उनके बीच का टॉपिक सुंबुल ही है। तब आप समझ सकते हो कि टीना क्या कह रही है और मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपको मेरी बातें ज़्यादा समझ में आ गई होंगी, तो बस आप मेरी फीलिंग को समझे जो मैं कहना चाह रहा था। बाकी ऊपर वाला सुंबुल के साथ है, मुझे मालूम है, क्योंकि वो कुछ भी नहीं करेगी तो भी पेरिस का टिकट जीत गई है।